हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 11 जून 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे आप द हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम द हिंदू के जो एडिटोरियल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस हैं वो करने वाले हैं। तो देखो, आज से जो हमारी डिस्कशन है वो आगे कंटिन्यू है, जारी है, वो यथावत रहेगी। उसमें कोई भी बाधा वगैरह, कोई भी इश्यूज़ वगैरह वो नहीं आएंगे। तो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई इश्यूज़ वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ है वो बता सकते हैं, अगर आपको कोई भी सजेशन वगैरह हो। देखो, आपसे एक सजेशन ये लेना था। सबसे पहले बता दूं कि जो हम ये डिस्कशन करते हैं, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर आप इनको पीडीएफ फॉर्मेट के थ्रू डिस्कस कीजिए, या फिर जैसे कि आप जो पीपीटी बनाते हो पावर पॉइंट की, उस तरीके से आप इनको डिस्कस आउट कीजिए। तो आप बताइए कि जो हमारे रनिंग नोट्स हैं इसके साथ ही हम डिस्कस करें, या फिर पीपीटी वगैरह के दूसरे मेथड के साथ हम डिस्कस हैं वो करें। इस बार की इस डिस्कशन में हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं और भी इंक्लूड करने वाले हैं, और रिविजन वगैरह वो हम साथ साथ लेकर आगे चलते रहेंगे। तो चलिए, खैर अब आगे डिस्कशन की तरफ वो करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो आई है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। तो इसके बारे में जो कुछ कंटेक्स्ट, जो कुछ पॉइंट है वो हम एक बार देख लेते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि स्वच्छ भारत मिशन है, इसका एक्चुअली भी सर्वे है वो किया गया है रूरल एरियाज में, तो उसको लेके आए। देखो, आपको बता दूं कि स्वच्छ भारत मिशन का मेन मोटो ये है कि जो ओपन डेफिसिट की जो प्रॉब्लम है हमारे देश में, जो लोग खुले में सो जाते हैं उससे मुक्ति है वो पाई जा सके। मतलब ओपन डेफिसिट फ्री को घोषित करने के लिए हमारे देश में कदम उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और ये एक्चुअली काफ़ी तरह से अलग अलग गवर्नमेंट की प्रयास है वो कर रही है इसके लिए। तो अब जो रूरल एरिया में जो मिनिस्ट्री इसके लिए काम कर रही है वो है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये आप ध्यान रखना, स्वच्छ भारत मिशन है उसके दो पार्ट हैं, एक तो है रूरल एरियाज के लिए और एक है अर्बन एरिया के लिए। जो रूरल एरिया के लिए जो मिनिस्ट्री काम करती है वो करती है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि यूपीएससी आजकल आपको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस काफी घुमा फिरा लेती है, कि पैटर्न को काफी कॉम्प्लेक्स है वो होता जा रहा है। तो हमें सारे पॉइंट हैं वो क्लियर रहने चाहिए। इसी के साथ एम क्या है, इसका एम यही है कि 2019 तक जो 2 अक्टूबर आएंगे, जो गांधी जयंती आएगी, उस मौके तक हमें एकदम सफाई है वो क्लियर रखनी है। इसी के साथ हमें क्लीननेस है, हाइजीन है, उन सबको प्रमोट करना है। तो ये गवर्नमेंट का इसके तहत टारगेट है वो रखा गया है। ये ध्यान रखना कि स्वच्छ भारत मिशन का जो अर्बन वाला पार्ट है उसको एक्चुअली ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री है वो होस्ट कर रही है, और जो रूरल अर्बन एरियाज गए उसको कौन सी मिनिस्ट्री होस्ट कर रही है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि देखो, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया है, अगर आपको कोई इश्यूज होगा तो हम आगे की कमेंट वीडियोज में इसे डिस्कस है वो कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एक्चुअली पीटर्स मैरिजबर्ग के बारे में। तो कंटेक्स्ट क्या है, देखो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। कंटेक्स्ट कुछ ऐसा है कि हमारे देश की जो मिनिस्ट्री है सुषमा स्वराज, वो एक्चुअली अभी साउथ अफ्रीका गई थी और उन्होंने यात्रा वगैरह की, उसको लेके बात है। तो हमारे लिए जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाली मेन चीज है वो ये है कि जो पीटर्स मैरिजबर्ग है ये किससे रिलेटेड है, क्या मतलब इसकी हिस्ट्री क्या है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है। देखो, बात यह है कि जो हमारे देश के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, उनसे यह रिलेटेड है। कंटेक्स्ट कुछ इसका इस प्रकार हो जाता है कि भाई इस प्लेस के बारे में कि 7 जून 1893 को गांधी जी साहब को पता है कि साउथ अफ्रीका में एक्चुअली ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, और उसी दौरान जो ब्लैक एंड व्हाइट का जो इश्यूज था वहाँ पे, उसके तहत एक्चुअली गांधी जी को ट्रेन से वो मतलब बाहर निकाल दिया गया था। वो स्टेशन था वो यही था पीटर मेरी बर्ग स्टेशन। ये आपको ध्यान रखना कि यहीं पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाला है, ट्रेन से बाहर है वो किया गया था। तो इसी के बाद गांधी जी ने अपना सत्याग्रह जो मूवमेंट वगैरह स्टार्ट है वो किए गए थे। तो इसीलिए ये चीज़ है आपको हमें ध्यान रखनी है। यूपीएससी एग्जाम में पूछ सकती है कि किससे रिलेटेड वगैरह है, तो गांधी जी से रिलेटेड है कहां पे, साउथ अफ्रीका में। एक बार लोकेशन भी हम देख लेते हैं कि यूपीएससी लोकेशन बेसिस पे भी क्वेश्चन है वो आजकल काफी पूछती है। ये देखो, आप देख सकते हो यहां पे ये साउथ अफ्रीका है, नीचे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में, और यहां पे अगर हम जूम करके थोड़ा देख लेते हैं इसको, ये यहां पे आप देख सकते हो पीटर मेरीबर्ग ये डरबिन के जस्ट काफ़ी क्लोज है। तो इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखने की भाई कहाँ है, कहाँ पे है, एटलीस्ट अफ्रीका में है, एशिया में कहाँ पे, तो मोटा मोटा आपको थोड़ा आइडिया वो होना चाहिए। चलते हैं अब आगे की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में। देखो, गवर्नमेंट के एक प्रोग्राम चलाया गया था मैन, उस प्रोग्राम का नाम था नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन। मतलब गवर्नमेंट का आप बोल सकते मिशन है एक तरीके का। इस मिशन जो है ये नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन है। इस मिशन का मेन मोटो ये है कि रूरल एरियाज में जो यूथ या जो लोग रहते हैं उनकी आजीविका जो लाइवहुड है उसको सिक्योर किया जा सके। अब इसी के तहत क्या गया, एक सब मिशन चलाया गया जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो देखो, इसमें एक चीज़ समझ में आ रही है, इस नाम से आप की ओर से समझिए कि ग्रामीण कौशल योजना मतलब ग्रामीण एरिया जो रूरल एरियाज है हमारे देश का, उसमें कौशल या जो स्किल्स हैं वो प्रोवाइड करनी है। तो इसी के तहत ये गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट है वो किया गया, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। न्यूज़ अभी इस प्रकार है कि जो स्किल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए अभी पोर्ट एरिया में वर्कशॉप है वो की गई थी, किसके द्वारा, शिपिंग मिनिस्ट्री, और इसी के साथ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का जो प्रोग्राम है ग्रामीण कौशल योजना वाला, इस प्रोग्राम के साथ मिलकर। तो ये कंटेक्स्ट तो आपको ध्यान रखना है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है वो एक्चुअली नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन है NRLM, उसी का एक सब मिशन है, उसी का एक पार्ट है। काम इसका यह है कि भाई रूरल एरिया में जो
भी पॉपुलेशन या जो भी लोग रहते हैं उनको एक्चुअली स्किल वगैरह प्रोवाइड करवा जा सकें ताकि वो अपनी आजीविका को सिक्योर है वो कर सकें। तो ये चीज़ में ध्यान रखनी है। और इसमें मेनली ज़्यादातर फोकस वो किया जाता है 15 से लेकर 35 साल की जो पुअर फैमिलीज होती हैं जिनके पास उनकी आजीविका चलाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है उनके ऊपर गवर्नमेंट का मेन फोकस वो रहता है। ये ध्यान केवल उन्हीं पर नहीं रहता है ओनली, बाकी लोगों पर भी रहता है बट मेन फोकस रहता है इन पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, काम क्या है, एक तो स्किल देना है, इसी के साथ उनकी आजीविका है वो भी सिक्योर की जा सके। क्योंकि देखो जब स्किल दी जाएगी तो लोगों में अपने आप टैलेंट आएगा, तो उस टैलेंट का फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट उनको नए जॉब वगैरह क्रिएट करने के लिए मौका देगी, इसी के साथ उन लोग अपनी आजीविका जो अपना रोजगार वगैरह वो क्रिएट कर सकेंगे। तो दोनों डबल फायदे इससे होने वाले हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के दो छोटे मिशन या दो स्कीम्स और भी हैं, दो योजनाएं आप बोल सकते हो, एक तो है हिमायत और एक है रोशनी। तो इनके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो जो हिमायत जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम या जो कॉन्सेप्ट लाया गया था, ये एक्चुअली जो सोशल और जो रीजनल इंक्लूसन है, जो समावेशन है, उसको एक्चुअली प्रमोट करने के लिए। ये ध्यान रखना कि हिमायत है वो रूरल और अर्बन एरिया की यूथ दोनों के लिए, उनकी सोशल लाइफ उसको सिक्योर करने के लिए ही, इंक्लूसिव ग्रोथ को सिक्योर करने के लिए लाया गया है। ये मेनली है जम्मू एंड कश्मीर की यूथ के लिए। बस ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर की रूरल एरिया और अर्बन एरिया की जो यूथ है उसको एक्चुअली कंप्लीट सोशल सिक्योरिटी ITC प्रोवाइड करवाई जा सके। इसी के साथ उनको रीजनल इंक्लूजन है वो भी दिया जाएगा, उसका स्कीम का नाम हुआ है हिमायत। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एक स्कीम है वो है रोशनी स्कीम। रोशनी स्कीम है वो एक्चुअली रूरल यूथ के लिए है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें होगा क्या, इसमें देखो मेनली फोकस किया गया वो क्या गया है, लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिस्ट को एरिया है, जैसे कि जिन एरियों में नक्सलवाद काफ़ी ज़्यादा है, मेनली हमारे देश के अप्रोक्सीमेट 9 स्टेट हैं जहाँ पर नक्सलवाद काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, उन एरियाज की जो यूथ है उसको एक्चुअली स्किल दी जाएंगी। क्यों, क्योंकि देखो काफ़ी बार आरोप लगता है गवर्नमेंट पे कि भाई नक्सलवाद इसलिए बढ़ रहा है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वगैरह क्रिएट नहीं कर रही है, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन लोगों को स्किल देने की कोशिश कर रही है, उन लोगों में टैलेंट है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है ताकि वहाँ पे उग्रवाद जैसी समस्याएं हैं, जो नक्सलवाद जैसी समस्याएं हैं, इनसे निपटा जा सके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है DRIP के बारे में, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि DRIP जो प्रोजेक्ट है इसमें अभी गवर्नमेंट को कुछ फंड वगैरह वो दिया गया है। तो देखो आपको बता दूं कि DRIP जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली हमारे देश की वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री इसी के साथ जो वर्ल्ड बैंक है उन दोनों के द्वारा मिलकर प्रोग्राम है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। ये मेनली एक 6 साल का प्रोजेक्ट है, तो आपको ईयर वगैरह तो याद नहीं रखनी है। इसमें हमारे देश के सभी स्टेट्स को इंक्लूड नहीं किया गया, ये आप ध्यान रखना। स्टार्टिंग में 3 स्टेट थे, उसके बाद 3 को रेड आउट किया गया, तो अभी तक इसमें हमारे देश के 7 स्टेट इंक्लूड किए गए हैं जिनमें एक्चुअली डैम वगैरह हैं। तो लगभग इस जो प्रोजेक्ट है DRIP जो प्रोजेक्ट है इसका मेन मोटो है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, मतलब जो हमारे देश के डैम हैं इनको रिहेबिलिट किया जाएगा, उनको पूर्ण ढंग से उनको सेफ्टी वगैरह स्टैंडर्ड्स हैं उनको देखा जाएगा, उनका थोड़ा जो भी रिनोवेशन वगैरह है उनमें जो भी स्किन सेफ्टी स्टैंडर्ड है उनको इम्प्रूव है वो किया जाएगा। मतलब कुल मिला के बात ऐसी है कि डैम के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए, डैम की क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए उनकी सेफ्टी और उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसकी हर साल एक कॉन्फ्रेंस है वो भी आयोजित है वो की जाती है। तो देखो जो इस बार जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी उसमें एक धर्मा ऐप है वो लॉन्च किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि DHERM में जो धर्मा ऐप है वो क्या है। देखो धर्मा ऐप का मेन मोटो यही है कि जो भी डैम से रिलेटेड जो भी डाटाज होता है वो एक्चुअली डिजिटल फॉर्म में रखा जा सके, ताकि जिन भी लोगों को डैम से रिलेटेड कोई डाटा चाहिए वो ऑनलाइन डाटा एक्सेस वो कर सकें। क्योंकि देखो अभी क्या होता है कि डाटा कलेक्ट करने के लिए या तो फिर RTA वगैरह जारी करनी होती है, फिर काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को प्रॉपर डाटा नहीं मिल पाता है अगर उन्हें कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, कुछ भी उनको जानकारी चाहिए होती है। तो इसीलिए धर्मा एप्लीकेशन बनाया गया है ताकि यहाँ पे जो भी डैम का रिनोवेशन किया जा रहा है या जिस भी डैम में कोई भी चेंजेस वगैरह किया जा रहे हैं, मतलब जो भी सारा काम है डैम से रिलेटेड कि क्या हाँ क्या हो रहा है, कौन से डैम के सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या है, कब बनाया गया था, जितनी भी उनकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी धर्मा ऐप के थ्रू लोगों को या जिन भी लोगों को जरूरत होगी वो एक्चुअली यहाँ से एक्सेस है वो कर सकेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है वर्ल्ड ओशियन डे के बारे में। तो देखो हर साल 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे है UN के द्वारा वो मनाया जाता है। है क्या UN वर्ल्ड ओशियन डे का, इसका मेन मोटो यह है देखो कि जब 1992 में अर्थ समिट हुआ था
रियो डिक्लेरेशन हुई थी उसी के दौरान इसको एडोप्ट है वो किया गया था। इसका मेन मोटिव रखा गया था कि भाई जो ओशियंस हैं उन ओशियन के प्रति लोगों को अवेयर है वो किया जा सके, इसके साथ ही हेल्दी ओशियन उनको प्रमोट किया जा सके। क्योंकि देखो हो क्या रहा था, ओशियन है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोल्यूटेड है, वो होते जा रहे हैं आज के टाइम पे, तो इसीलिए उस टाइम पे इस डे को स्टार्ट किया गया था ताकि भाई लोगों को और जो भी कचरा वगैरह डालते हैं ओशियंस में उनको एक्चुअली अलर्ट किया जाए कि भाई ओशियन है वो भी एक प्रॉपर्टी है, नेचुरल सिस्टम है, अगर आप उनको डिस्ट्रॉय वो मत कीजिए, अदरवाइज हमारा जो इको सिस्टम वगैरह है वो भी अनबैलेंस है वो हो सकता है। तो इसीलिए वर्ल्ड ओशियन डे वो स्टार्ट किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि 1992 में जब अर्थ समिट हुआ था उसके दौरान इसकी डिक्लेरेशन है वो की गई थी, मतलब उसी के दौरान इसको वर्ल्ड ओशियन डे वो स्टार्ट किया गया था। हर साल 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है एक्चुअली वो है एक्स प्राइज अवार्ड के बारे में, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकती है एक्स प्राइज अवार्ड के बारे में। तो देखो है क्या एक्स प्राइज अवार्ड, ये हम देखते हैं, इसके बाद आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एक एक करके हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ एक्स प्राइज एक एनजीओ है एक्चुअली US बेस्ड, ये NGO अनु एंड नवीन जैन जो कि इंडिया के ही सिटीजन है वो एक्चुअली जो अभी मतलब US सेटल हुआ है, तो उन लोगों के द्वारा इस NGO को स्टार्ट हो किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, कोई गवर्नमेंट वगैरह का नहीं है कि आप सोचोगे एग्जाम में यार इंडियन गवर्नमेंट वगैरह का होगा नीति आयोग वगैरह का, नहीं 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 ये एक NGO है अनु एंड नवीन जैन का जो एक्चुअली ह्यूमैनिटी के लिए काम है वो करते हैं, और इन्हीं के द्वारा एक्चुअली अवार्ड है वो दिया जाता है। अब है क्या इस अवार्ड में, ये अवार्ड एक्चुअली इस बार दिया गया वो दिया गया लीफ वेरिएबल कंपनी को जो कि दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है उसको यह अवार्ड दिया गया। क्या है इस अवार्ड का एक खासियत वगैरह, देखो लीफ वेरिएबल जो कंपनी है इसने एक्चुअली सेफर प्रो डिवाइस है वो बनाए, एक छोटा सा डिवाइस बनाया इस प्रकार का जिसमें कुछ बटन्स वगैरह हैं। इनका मेन मोटो ये है कि देखो हमारे देश में जब भी कई बार काफ़ी ऐसे वुमेंस को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होती हैं या फिर उनको कई बार पीछा वगैरह किया जाता है, मतलब उनको इनसिक्योरिटी फील होती है, उस कंडीशन में वुमेन इस डिवाइस के ऊपर जो बटन लगा होता है उस बटन की हेल्प से जो भी अपने करीबी लोग हैं उनको एक्चुअली मैसेज या उनको मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सिग्नल है वो भेज सकते हैं कि भाई हम प्रॉब्लम में हैं, तो उसके बाद जो भी हेल्प उनको मिल सकती है। तो इसलिए एक डिवाइस है वो बनाया गया है, इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। इसके पहले भी इस लीफ वेरिएबल जो कंपनी है इसने और भी डिवाइस बनाए थे, बट ये जो भी डिवाइस बनाया इसका नाम है सेफर प्रो डिवाइस। तो ये सेफर प्रो जो डिवाइस बनाया गया है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इस डिवाइस को बनाने के लिए ही एक्स प्राइज अवार्ड है वो एक एनजीओ के द्वारा दिया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई एक्स प्राइज अवार्ड दिया किस लिए गया है, क्योंकि सेफर प्रो एक डिवाइस बनाया है वुमेन सेफ्टी के लिए कि उनकी कंपनी ने लीफ वेरिएबल कंपनी ने। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि एक्स प्राइज वो एक एनजीओ है, किसका एनजीओ है, अनु एंड नवीन जैन का जो कि इंडिया के सिटीजन है वो एक्चुअली अभी US वगैरह रहते हैं, तो वहाँ उनके द्वारा एक एनजीओ बनाया गया था उसको लेकर न्यूज़ थी। तो ये तो थी हमारी आज की डिस्कशन, जो द हिंदू एडिटोरियल की डिस्कशन है वो हम आगे के वीडियो में वो डिस्कस है करेंगे। तो आपके देखो जो भी कुछ इश्यूज़ वगैरह हो इस वीडियो के वगैरह बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, आपकी जो भी उचित सॉल्यूशंस हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड हैं वो किए जाएंगे। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।